कांग्रेस जिलाध्यक्ष व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में घेराव किया गया। घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव के दौरान चूड़ियां व चप्पलें गेट पर मारकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने नगरपालिका को सख्त चेतावनी दी, अगर जल्द ही पेयजल की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। घेराव करीब एक घंटे से अधिक समय तक चला। इसके बाद कांग्रेस ने नगरपालिका सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही विद्युत विभाग का घेराव करेंगे। इस दौरान विधायक राजेंद्र भारती, अवधेश नायक, जिलाध्यक्ष राम किंकर सिंह गुर्जर, गुड्डी जाटव, अशोक दांगी बगदा और अजय शुक्ला सहित आधा सैकड़ा से अधिक कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सबको पिछले 2-3 महीने से नगर पालिका हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों जगहों पे पानी की बहुत ज्यादा संकट और त्राही त्राही मची हुई है और इसके लिए नगर पालिका पूरी तरह से दोषी है। इसके अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग दोषी हैं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल जल योजनाएं चल रही हैं, जगह जगह हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, हैंडपंप सुधर नहीं रहे हैं। इसके बाद हम पीएचई का भी घेराव करेंगे। यदि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें जिस तरह से पानी के लिए परेशान हो रही है, आगे यदि इसी तरह से सीएमओ साहब आप सुनिए ध्यान से, यदि आपने कल से पानी की व्यवस्था नहीं सुधारी तो हम लोग लगातार आपका घेराव करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह से आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने होल्ड के नाम पर सारे खाते रोक दिए हैं, बेचारे गरीबों के जो पीएम योजना में जो पैसा लगता है आपने बैंक में जाके होल्ड कर दिए। ये भ्रष्टाचार की कहानी, जो पैसा आपको दे जाता है उसका आप होल्ड खोल देते हैं, पैसा मिल जाता है। ये सारे मुद्दों को लेके हम लगातार आपकी नींद में खलल डालते रहेंगे, आपको चैन से सोने नहीं देंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो और चाहे वो सीएमओ हो। और इसी प्रकार जिस प्रकार आज आप सबने यहाँ के सहयोग, दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।